जस्टिव देख रहे हो तुम, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट में थोड़ा स्वागत करता है। करोना काल टीवी डिबेट विचों ये तकरीबन आउट हो चुकिया टॉपिक लगता पिया, हालांकि इन्हें बारे आंकड़े तो जरूर दस जा रहे हैं, पर करोना काल तो जिम्मे पहला डिबेट्स हो रही सी वो नहीं हो रही, उसकी वजह की है मैं नहीं पता गा, पर मैं ये जरूर पता अमरीका 24 घंटे 71,967 मरीज आते हैं, 1,207 मौत होंगे, ब्राज़ील 67,960 मरीज आते हैं, 1,284 मौत होंगे, भारत 45,720 मरीज आते हैं, 1,129 मौत हो जाती हैं 24 घंटे। अभी सवाल क्यों पूछा कि करोना काल बीमारी तो बचा तक सच की है। बड़ा सवाल एको पूछा जाएगा इस डिबेट में, बड़ा सवाल यह पूछा कि करोना काल ने आम लोगों अगर सेहत सिस्टम के किड़े सच तो परते चुके, इस सवाल से बहस करा पैनल साड़ा मौजूद हैगा, उन्होंने तारुफ करा रहा। वैसे इस मुद्दे सियासत भी बहुत हो रही है, सियासत आज तरीके चलती पी है, बहुत कुछ लाहा भी खड़ती पी है, पर डॉक्टर समझना पावे समझना चाहवा असं मैडिकल साइंस की गल होगी जरूर, पोलीटल साइंस की नहीं करा। डॉक्टर संतोख सिंह जनरल फिजिशियन ने, अक्सर तुम इन्होंने सोशल मीडिया से घूमते फिरते देखते हो, तो बड़े इन नुस्खे है जोड़े वो तुम उन्होंने भी सुनते भी होंगे समझते भी होंगे, तो डॉक्टर संतोख सिंह घर इसलिए सद्या। डॉक्टर संतोख सिंह तो बहुत स्वागत है सर। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। डॉक्टर रमणीक सिंह बेदी वाइस चेयरमैन ने IMA के, तो एडवाइजर ने वर्ल्ड मैडिकल एसोसीएशन के, होस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के ने, पैटिशन ने, बड़िया सलाह देंगे ये प्रशासन को, पर सलाह मनिया कि IMA किस तरीके सोचता हैगा, तो IMA की सरकार तक सिस्टम तक कि मनी जाती है, ये सवाल भी अपने आप वटे है। तो डॉक्टर बेदी उन्होंने बारे बड़े चिंतित रहेंगे, अक्सर सानू इन स्नेह भी मिलते रहते, इस करके ना हो सकता। डॉक्टर बेदी सर थोड़ा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जी। डॉक्टर बेदी शुरुआत मैं थोड़े तो करना चाहना, डॉक्टर बेदी ये जो आंकड़े है जो डाटा साढ़े को आ रहे हैं, डाटा तो पासे जाके, डाटा से सर ग्राफिकली सारी दुनिया देखती पई है सर, इन्होंने तो पासे जाके मैं समझना चाहना सर, WHO तो लैके जो तो संस्थाव है सर, किसी समझ आया करोना चीज की हैगी है? देखो करोना पहली गल तो यह कि वायरस है, हुन मेन चीज ये है कि ये जरा आज का जमाना हैगा ये वायरस का जमाना है, अज तो कोई 30-40 साल पहला बैक्टीरिया का जमाना सीगा, पेंसिलिन का आजाद होया, एंटीबॉडी का आजाद होया, ते पहला लोकी टाइफाइड ते डायरिया नाल भी निमोनिया नाल भी तुसी आम देखते हो गए लोगों की मौत होंदिया सीगिया, एंटीबॉडिक्स आई ते उहदे करके हुण ये सारी चीजा दे उत्ते काबू पा लिता गया है। दूसरी गल ये है कि वातावरण दे विच बैक्टीरिया की जिहड़ी तादाद है वह थोड़ी घटी है, तो वड्डी मछली सीगी मैं कहना बैक्टीरिया, तो हुण वायरस जिहड़ा हैगा क्योंकि बैक्टीरिया वातावरण विच घट गया है तो वायरस जिहड़ा वातावरण विच वध गया है, हुण साइंटिस्ट जिहड़े हैगे ने उह इजाद कर रहे हैं कि वायरस दे अगेंस्ट कि दवाइया जिहड़ी हैगियां उह कामयाब हो सकनगियां। हुण कुछ दवाइया वायरस दे अगेंस्ट भी आ गई ने, मगर वायरस जिहड़े हैगे ने बैक्टीरिया जिहड़े अगर सौवां च ने ते वायरस जिहड़े है मिलियनस दे विच ने, लखां विच हैगे ने, सो इस करके ये जिहड़ा वायरस का युग है इहदे विच हैल्थ का रिसर्च R&D जिहड़ी हैगी है ये इन्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैगी है, और इत्थे मैं ये वाली जिहड़ी तुहाडी जिहड़ी सवाल है उहदा मैं इस तरह आंसर दे के इस नूं खत्म करना चाहुंदा है कि इंडिया ने हैल्थ नूं निगलैक्ट करके इन्ना वड्डा इकोनॉमिक जिहड़ी है उहने बर्बादी कर ली है, और अगर ये पॉलिटिशियन नूं समझ नहीं आएगी कि हैल्थ दी GDP अज भी 1.5% है, और अगर असी इकोनॉमी नूं देखिए इन्हें इकोनॉमी नूं घट तो घट 10 साल पिछे कर दिता है, पॉलिटिशियन जो मर्जी कहिंदे रहन, ब्यूरोक्रेट जो मर्जी कहिंदे रहन, हैल्थ जद तक डॉक्टर दे हथ च नहीं आएगी शुरू तो लैके अखीर तक तद तक असी इहो जी जिहड़ी महामारियां हैगी है ये बड़े 100 साल बाद आई है, मगर ये कोई अचंबा नहीं होएगा कि ये जिहड़ी हैगी होर 2 साल या 5 साल या 10 बार इहो जी कोई होर महामारी असी देखिए। दूसरी गल ये है कि अज असी तुसीं बिल्कुल ठीक किया कि असी इहदी चर्चा करनी बंद कर दित्ती है, मैनू समझ नहीं आया असी अजे विचकार हैगे हैं, ये करोना जिहड़ा हैगा 3-4 महीने इहदे लंघ चुके ने, और लोकी कह रहे ने कि सानू ये दिसंबर बाद तक भी करोना दे नाल रहना पैना है,
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। चलो डॉक्टर बेदी, असी तो तुहाडे वर्गे डॉक्टर से नाल रल के ही असीं कोशिश करते हैं अवेयरनैस फैलाई जाए, लोगों को दसिया जाए। तुहाडा भी पैनल दे आउणा एक और फिर मैं धन्यवाद करदा, तुसीं इन्ने इंपोर्टेंट पॉइंट साडे नाल शेयर कर दिओ। डॉक्टर संतोख सिंह, सवाल यह हैगा कि मैं आम लोगों की भाषा में ही गल करना चाहुंदा, आम लोगों की भाषा में सवाल यह हैगा कि वह हुण एक उन्होंने बना लिया कि WHO का बनाता हू केयर्स, मेरा सवाल यही है हू केयर्स। देखो केयर्स तो हुण सानू आप नूं करनी चाहिए है। ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ ਨੱਕ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰੇ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਓ ਮਾਸਕ, ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਰ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਔਨ ਟਰੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦ ਆਏਗੀ? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 3 ਮਹੀਨੇ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਮਾਸਕ ਦੀ, ਮਾਸਕ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸੱਟਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋਚੋ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਾਸਕ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 130 ਕਰੋੜ ਮਾਸਕ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਅਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ? ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 10 ਜਾਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਤੇ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਤੇ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੈ, ਸੇਲਸ ਗਰਲਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ 40-50 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 40-50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ
मास्क ही नहीं हुण फेस शील्ड जिहड़ा हैगा ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਮਾਸ ਤੋਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੱਕ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ? ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ GDP ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੀਸਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਨਲੌਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਓਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ? ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਚੀਨ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ USA ਜਾਂ ਸਪੇਨ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਾਟਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 71,967 ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ 1,207 ਮੌਤਾਂ ਸਰ, 67,960 ਕੇਸ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਅਤੇ 1,284 ਮੌਤਾਂ, 45,720 ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੇ 1,129 ਮੌਤਾਂ ਸਰ। ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਡਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨੋ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਫਰਨਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ 3,000 ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 10,00,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? 100% ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ ਅੱਜ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧੂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਬੇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਡਾਟਾ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਗੂਗਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਡੈਥ ਰੇਟ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡੈਥ ਦੀ ਸਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਡੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੀ ਸੋਭ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਥ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਲਤ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭਾਵੁਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ 1,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ 1,000 ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹੈ, ਘਟਣ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਡੈਥ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੇਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਹਾਲੇ ਪੀਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੀਕ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੀਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰੁਕ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਾਈ ਤਰਾਈ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ
कोई कंट्री तो यहोजा है जो मॉडल है पूरी दुनिया में देखना चाहिए, कोई न्यूजीलैंड का मॉडल, कोई किसी होर कंट्री का मॉडल, उस मॉडल को कितने असी अपनी आबादी हिसाब से कैलकुलेट करके चला सकते हैं जो सिर्फ असी कंपैरिजन ही कर सकते हैं बस इस तरह कुछ आपां चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट को GPD का कोई हिस्सा इस पासे लगे नहीं होया, जो रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे करोगे काम? तुम इन्हों उम्मीद नहीं सी कि आ भी वारफेयर हो जाएगी। मैं वारफेयर बोल रहा इतने, मैं गलत ना बोलता, मतलब कि जो भी अटैक होया करोना का, यह चीज़ थोड़ा उम्मीद ही नहीं सी, पैसा रखा नहीं गया सीगा, हूँ पैसे कट कर इतने ला रहे ने हूँ। सर जो ला रहे हैं कोई फंड्स WHO वालों भी आ रहे हैं, होर कई संस्थावां वो भी फंड्स दे रही हैं, PMCARE भी बन गया वैसे तो, PMCARE भी बन गया, वो कई थावां चो फंड्स आ रहे हैं, वो फंड्स दे यूटिलाइजेशन हो रही है? नो, मैंने तो कोई नजर नहीं आ रही, मैंने तो कोई नजर नहीं आ रही। डॉक्टर सवाल मैं थोड़े से जरूर पूछना चाहना, जिहड़े फंड्स असीं जनरेट कीते आ, तुसीं इह जिहड़ी गल कह रहे हो GDP दा असीं कुछ हिस्सा रखते हैं, सर वो ठीक है, तुहाडा सवाल दुरुस्त है, मैं तुहाडे नाल खड़ा, पर इस काल दे दौरान असीं जिहड़े फंड्स जनरेट कीते आ उहनां नूं असीं चंगी तरीके नाल वरत पा रहे हैं या नहीं? सर देखो, पहली गल तो यह है कि जिहड़े फंड्स हुण आए ने उहनां नूं जिहड़ा सिस्टम नूं जिहड़े अज तों किन्ने साल पहले तों मौजूद होने चाहिए सीगे, ये 2 दिनों या 3 महीनों या 6 महीनों चो सिस्टम से आ नहीं सकते। हुण मैं इत्थे तुहानूं 2 गल्लां करना चाहूँगा। पहली गल तो यह है कि 2 दिन पहले इंडियन मेडिकल एसोसीएशन ने फिर दोबारा मंग की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज जिहड़ी हैगी है वो इहदे विच इंडिया विच आनी चाहिए है। IAS का कैडर है, IRS का कैडर है, IPS का कैडर है और बाकी कई एलाइड कैडर ने, बड़ी हैरानगी की गल है कि हेल्थ वर्गी इंपोर्टेंट जिहड़ी सब्जेक्ट है उहदे वास्ते सेपरेट कैडर जिहड़ा हैगा नहीं बनाया इन्होंने, और ये 3 ये ट्राई हो रहे ने। कई बार गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी है लास्ट स्टेज तक पहुंची है इंडियन मेडिकल सर्विसेज दे कैडर नूं बनाने वास्ते, बट कुछ ना कुछ हो जाता है। सर उहदे अड़िका कौन पाउंदा? मैं पढ़ी है तुहाडी डिटेल सर, वो सारी उहदे अड़िका कौन पाउंदा? देश दे प्रधानमंत्री मान लेणगे हुण तुहाडी गल? देखो अगर नहीं मनगे तो मैं समझता कि भी तुहाडे वर्गे लोग जिहड़े हैगे ने या बाकी लोग हैगे ने उन्हां नूं ये दसना पएगा कि अगर हेल्थ के नाल जिहड़ी इंडिया की इकोनमी है इन्नी ज्यादा सफर कर गई है, अगर अज भी ये मैसेज उन्हां नूं नहीं पहुंचया, अज भी ये चेतावनी है वो उन्हां नूं नहीं मिली है, तो मेरे हिसाब नाल असीं बहुत बदकिस्मत हैगे हैं कि सानूं नहीं समझ आ रही कि इस तों अगे असीं रस्ता किवें लभांगे। डॉक्टर बेदी एक छोटी जी समझा दो सर, इंडियन मेडिकल सर्विसिज बनाउण दे नाल होऊगा कि साडा दर्शक समझना चाहुंदा? बिल्कुल, ये जिहड़ी जिवें IAS बनाउण नाल की होया कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट दे लैवल ते, हर तालुका दे लैवल ते, स्टेट दे लैवल ते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे लैवल ते एक चेन हुंदी है जिहदे नाल डायरेक्शन जिहड़ी हैगी है चलदी है। नंबर 1, नंबर 2 ये हाईली स्किल्ड फील्ड है, उहदे विच एक पॉलिसी चलेगी, पॉलिसी उपर तो लैके नीचे तक चलेगी। हुण की है कि डॉक्टर पॉलिसी बनांदे ने वो पहला ब्यूरोक्रैट कोल जांदी है, ब्यूरोक्रैट नूं पता ही नहीं चलता कि भी ये पॉलिसी का ABCD की हैगी है, उन्होंने मेडिकल टर्मीनोलॉजी समझानी बड़ी औखी है। अज के दिन भी जिहड़े तुसीं आपां गल करदे आ मीटिंग च जाने हैं वो सानूं कहिंदे डॉक्टर साहब इहदा मतलब की है, थोड़ा समझाओ। हुण 4 महीने हो गए कोरोना का मतलब भी सानूं समझाना पैना है कि भई ये कोरोना दे विच ये दवाई का की मतलब है या इस चीज का की मतलब है। सो इट इज अ हाईली टेक्निकल फील्ड और शुरू तो लैके अखीर तक केडर होना चाहिए है, पॉलिसी होनी चाहिए है, विजन होना चाहिए है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नाउ इहदे विच तुसी ये देखो कि पब्लिक हेल्थ का जिहड़ा कितना बड़ा रोल है। अज जिवें जी वेस्ट डिस्पोजल की गल की है, हुण वेस्ट डिस्पोजल जिहड़ी हैगी है ये सब तो इंपोर्टेंट चीज है। अज जिहड़ी इंडिया दे विच बहुत ज्यादा तेजी नाल नहीं वधिया ये क्योंकि साडे जिहड़े अपने एशियन दे जिहड़े कुछ इहो जी चीज इम्यूनिटी फैक्टर्स या कोई इहो जे जेनेटिक फैक्टर्स ने जिहदे करके ये जिहड़ी वायरस है इन्नी ज्यादा उहदे च डैथ रेट वधिया नहीं है। मगर वेस्ट डिस्पोजल जिहड़ा उहदा सिस्टम पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन्ना माड़ा हैगा है कि अज दे दिन च तुसीं किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, तुसीं किसी शहर में चले जाओ, किसी कस्बे में चले जाओ, ढेर दे ढेर लगे हुए ने उत्थे वेस्ट दे। हुण जे वेस्ट ओ इन्फेक्शन वधदी पई है ओ वेस्ट जिहड़ा हैगा इन्फेक्टेड वेस्ट है, सो उत्थों इन्फेक्शन जिहड़ी है घटण दा
वधूगी वधूगी बिल्कुल ठीक है। तुहाडा बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है बेजी साहब, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है तुहाडा। पब्लिक हेल्थ की तुसीं गल कीती है, वेस्ट डिस्पोजल की गल कीती है, पर असीं गल करते हैं जदों किसी VIP नूं करोना हुंदा असीं उसका जिक्र करते हैं। एक आम आदमी नूं करोना हो रहा वह भी उन्ना ही महत्वपूर्ण है साडे लई, साडे देश दा नागरिक है, पर साडे कोले खबर सिर्फ आउंदी है जदों किसी वड्डे बंदे नूं करोना हुंदा ते असीं उहदी उत्थों तक दी रिपोर्टिंग करदी है जिहड़ी उहदी निजता दा हनन मन्निया जांदा, पर असीं इह कि मनदे नहीं। फिर तो वापस आ रहे मैं मनाऊंगा जरूर। सवाल एक को पूछने, कोरोना काल ने आम लोगों अगर सेहत सिस्टम के किहड़े सच तो परदे चुके। डॉक्टर संतोख सिंह जिहड़ी गल मैं पहला कर रहा सीगा, साडे लई आम लोग है जिहड़े वो उन्ने महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो आपकी बरादरी की भी गल कर रहा, साडे भाईचारे की गल कर रहा, असी इंपोर्टेंस उदों समझांगे जो साडा पूरा सिस्टम इस नूं इंपोर्टेंट समझूगा। जदों अखीर तिकर हर चीज़ पहुँचनी शुरू होगी उदों ही समझांगे कि असी कामयाब हैं। असी अखीर तक क्यों नहीं पहुँचना चाह रहे? डॉक्टर संतोख सिंह देखो ये तो बहुत ही गलत चीज़ हैगी है कि असी ये चीज़ मतलब कि आप परसनलाइज कर देंगे कि इतने ये हो गया उत्थे ये हो गया, लेकिन ये इतने ये है कि पॉइंट कि सारे जड़े मौत हो रही हैं जड़िया सारिया मौत हो रही हैं ये सारिया इक्वली अफेक्टेड है बंदे, चाहे वह गरीब बंदे की मौत है, चाहे वह अमीर बंदे की मौत है, चाहे वह आप फैसिलिटीज ज़्यादा दे दें VIPs नूं घट दे दें या उन्हों की इंपोर्टेंस ज़्यादा दे दें, ये सारिया चीज़ा गलत ने। सरबत का भला हों सारे आप सारे सारे वास्ते सेम फैसिलिटी होनी चाहिए है। साढ़े मन च गैप क्यों है? ये गैप हूँ ये तो हूँ राजनीतिक गैप है, इसमें समझ नहीं आता कि VIP की अलग ट्रीटमेंट है कि आम बंद की अलग। तुम डॉक्टर लोग होते को VIP आता होगा, जो कोई आम बंदा आता है आम बंद छोड़ के VIP का ट्रीटमेंट करते हो? नो बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं, असं सब कुछ सेम देखते हैं, बट जरा हूँ जिस तरह सुपर स्टार्स हो गए कुछ हो गए ये तो हूँ मीडिया की कवरिंग भी होगी ना बिचों कि हूँ कह रहे हैं। हाँ आप कह रहे हैं सर, ये मीडिया की कवरिंग जी एक बंदे वाले पास जा रही है कि जोड़े बंदे एक जरा 20-25 हज़ार मर गए वो बंद की जी आत्मा सी वो कुछ माड़ सगा उन्होंने वो सेम आत्मा है जो उधर हैगी है। हाँ वो VIP हैगा वो केयर जो भी कर रही है गवर्नमेंट करे, लेकिन एक बंदे ते फोकस कर देना सारिया आरतियां हो रही हैं उत्थे भजन हो रहे हैं कि वो जो भी है सिस्टम तो अपन सारे अपने बाबे जाने की क्या सरबत का भला करो यार। सारे बंदे एक ने जिहड़े जिहड़ा जींदा बंदा है जिहड़ा जीव हैगा सारिया दी आत्मा सेम ने डॉक्टर वास्ते। एज ए डॉक्टर मैं दस रहा हैं डॉक्टर जिहड़ा सामने पेशेंट कोई भी आ जाए वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है चाहे वो VIP हैगे उहदे वास्ते सेम एक्शन हुंदा है अनटिल अनलेस सम पोलिटिकल प्रेशर इज देयर। ये मैं सीधी गल कहांगा बेदी साहब मिलणगे। पर सर डॉक्टरी पेशे नूं एक कारोबारी दे रूप विच क्यों देखा जाण लग पिया? मेरा सवाल तो डॉक्टर संतोख सिंह अभी तो पैकेज डिसाइड किए हुए हैं कि आ वड्डा होस्पिटल तो इतने दाखिल होने IS बैड का इन्ना पैकेज है, हूँ सरकार कहिंदियां असीं इंटरवीन किए। मैं पंजाब गवर्नमेंट के जिक्र करना चाहता, मैं बाकी गवर्नमेंट का भी जिक्र करना चाहता, सारे ने इंटरवीन किया प्राइवेट होस्पिटल अभी दिशा निर्देश दिए है, ये समझ नहीं आ रहा कि दिशा निर्देश देने पैणगे हजे भी देने पैणगे? नहीं ये देखो ये तो जो बड़े बड़े होस्पिटल है इन्होंने जिंदगी भर पैसे कमाए हैं मेरे हिसाब से। टाइम ऐसा आ रहा है हिस्ट्री इन मेकिंग है, ये नॉर्मल टाइम नहीं है, बुखार हो गया डेंगू हो गया उतर जाएगा, ये करोना है करोना वायरस है ये आप हिस्टरी इन मेकिंग है, आप समझ नहीं रहे। लॉकडाउन कभी वर्ड आप सुने नहीं सी, ये चीज़ा सुन रहे हैं आप, डॉक्टर्स ने कभी पूरे PPE किट पाई नहीं सी, कभी सब कुछ किया नहीं सी, सारी गवर्नमेंट हिल गई है, पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट हिल गई है। इतने सारे वड़े वड़े हॉस्पिटल अपनी जमीर तो उत्ते उठ के एक सेवा भाव दिखा के ये हिदायतों की लड़ नहीं हैगी, वो अपने आप ही काम करन यार। ये दोबारा पैसे आप देखो कमाने हैं ना, कोई चक्कर नहीं है। डॉक्टर अमरीक बेदी सर तुहाडे वर्गियां संस्थावां जिहड़ियां वो इन्हां डॉक्टर्स नूं कहिंदियां कुछ भी तुसीं भाई सरकारां नूं तो तुसीं बहुत कुछ कहिंदे हो तुसीं आह बना लो वह बना लो, जिहड़े तुहाडे भाईचारे वाले हैगे विच कारोबारी बने हुए आ उहनां नूं कदे सलाह दिंदे सर तुसीं? तुसीं ना ये दुख दी रग दे उत्ते मेरे हाथ रख दित्ता। गल इह है कि पहली गल ते है जिहड़ी हैल्थ है वह जिम्मेवारी किहदी है? वह जिम्मेवारी है स्टेट की। हुण प्रॉब्लम की हो रही है कि जे असीं मुद्दे ते जाइए ते स्टेट जिहड़ी हैगी है जां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कोई भी स्टेट लै लो वो इस हालात विच नहीं है कि वह अपने नागरिकां नूं स्टेट दियां जिहड़ियां हैल्थ दियां जिहड़ियां सेवावां ने वह देण। सो उहदे करके क्योंकि उन्हां नूं पता है कि उन्होंने स्टेट दियां अपना जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सीगा उहनूं वधाया नहीं है और बुरी तरह नाल उह फेल हो चुके ने। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਪਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
सब कुछ दिता है। तुसी कभी सुने है कि छोटे खास करके जेडे छोटे डॉक्टर्स या छोटे हॉस्पिटल ने 25 बैड दे 40 बैड दे 50 बैड दे उन्हां वास्ते डिस्ट्रिक्ट विच या शहर दे विच कोई रिलीफ दिता होए कोई सस्ते दरां ते उन्हां नूं जमीन दिती होए, जे वह इहो जे स्टैप लैणगे तो ऑटोमैटिकली जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दे कॉस्ट होएगी वह छोटे हस्पतालों वास्ते वह घटेगी। हुण मैं जे ना लवां तो फोर्टिस ते मैक्स नूं ते तुसीं जमीन दिती हुई है 21 रुपए साल दे विच लीज दे विच, ते छोटे किसी जेडे हॉस्पिटल है ये पिंडा च जेडे लोकी डॉक्टर जेडे अपना करना चाहते ने हॉस्पिटल या क्लिनिक या डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना चाहते ने उहदे वास्ते कोई रिलीफ नहीं है कोई पैकेज नहीं हैगा। तो जे उन्होंने अपने आप लोन लैके ते अपना जेड़ा क्लिनिक या हॉस्पिटल बनाना है तो उन्होंने स्टाफ के खर्चे भी उठाने ने, तो हुण तुसीं दसो कि भी वह बंदे नूं तुसीं विलियन कर दो। विलियन कौन है? गवर्नमेंट है। वाई? बिकॉज ये जिम्मेवारी किसी सी गवर्नमेंट की सी, गवर्नमेंट ने अपने हाथ झाड़ दिते ने। हुण विलियन किनू बनाना चाहते ने? अपने आप नूं जिहड़ा हैगा नज़र तो परे करन वास्ते डॉक्टर नूं सामने किया हो। सो ये जिहड़ी गल्लां जिहड़ी हैगियां ने ये पहली गल तो यह मन्नी है कि स्टेट इज ऑल टोटली ए फेलियर इन प्रोटेक्टिंग द हैल्थ ऑफ द नेशन। और ये जेडे 70 to 80% जेडी हेल्थ सेवावां ने ये छोटे ते मीडियम दर के जेडे हॉस्पिटल्स ने या डॉक्टर्स ने उन्होंने हाथ में हैगी है और उन्होंने कोई भी यहोजा स्टेट ने पैकेज नहीं दिता जिदे करके वो जेड़ा कॉस्ट है वह घट सके। हुण कोरोना दे विच वो रौला पाते रहे कि कैपिंग की जाए। मैं कहना जरा पीएम केयर फंड है या WHO तो फंड आ रहे हैं वो क्यों नहीं कहते कि क्वालिटी केयर अगर तुम्हें देनी है किसी मरीज नूं ते कहो जी कि ओके ठीक है 15,000 रुपया पर बैड का जोड़ा है या 10,000 या 5,000 मैं वो नहीं चाहता 10,000 लेटर से पर बैड का फिक्स करो वो जोड़ा हॉस्पिटल खर्चा वह बियर करेगा और बाकी 10,000 जेड़ा है वो गवर्नमेंट बियर करेगी। व्हाई कांट दी गवर्नमेंट बियर दैट एक्सपेंस शेयर दैट एक्सपेंस। तुहानूं लगदा कि सरकार आपकी जिम्मेवारी तो पला झाड़ के सब कुछ दूजियां ते सिट रही है, चाहे वह डॉक्टर बरादरी है चाहे वह आम लोग है चाहे साढ़े होर जिहड़े अगां प्रबंध देखते हैं सारे लोगों से, यही कहना चाह रहे हो डॉक्टर बेदी? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तुसीं मैनूं दसो ना जे तो कहते हैं कि सरकारी हस्पताल जगह नहीं हैगी है, जगह हैगी है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो वेंटिलेटर नहीं है, तो जे उन्होंने को साधन ही नहीं है जिदे नाल वो अज के दिन किसी कोरोना के मरीज या कोई भी सीरियस मरीज है वह इलाज कर सकन, तो बड़ा आसान तरीका है कि वह अज पार्टनरशिप कर लैन हस्पतालों नाल कि जी तुम 10,000 रुपया से तुम इलाज करो 10,000 असी पावांगे ते मरीज दा इलाज जिहड़ा हैगा ओह क्वालिटी केयर जिहड़ी हैगी है मरीजां नूं मिलेगी। प्रॉब्लम की है? ठीक है सर, एक होर छोटा जिहा ब्रेक लूंगा, ब्रेक तो वापस आऊंगा। वैसे तो डॉक्टर साहब कहिंदे आ कि डाटा की गल ना करो पर 20 दिनों में 65% करोना की रफ्तार वध चुकी है जिहड़े साढ़े कोल अंकड़े हैगे आ। जे तुसीं इहनूं भी पासे रख के चलना चाहुंदे हो तो ग्राउंड ते सच्चाई होर है, जिन्हां मरीजां दा इलाज होया जे तुसीं उन्हां नाल गलबात करोगे तो शायद जे वह मैं TV स्टूडियो दे लिया के बिठा देव तो शायद तुसीं होर घबरा जाओगे, पर साडा काम पैनिक करना नहीं है, साडा काम है तुहानूं जागरूक करना। कोशिश कर रहे हैं तुहानूं जागरूक करिए, जे जागरूक तुसीं नहीं होवोगे तो फिर तुसीं आपदी जान तो हाथ धो बैठोगे। असीं तुहानूं डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं क्योंकि कोई पता नहीं ये करोना किहनूं हो जाना, किसे नूं ही हो सकता है, तो इस लई ध्यान रखो। जे ध्यान नहीं रखोगे तो फिर ध्यान रखने के लिए सरकार भी तुहाडे लई नहीं खड़ी हुई, ये सोच के समझ के तुहानूं अगे वधना पौगा। इसलिए असी ये भी सवाल करांगे कि करोना काल के विचाले सरकारां किते तुहाडे हाथों के नाम से आपदे हाथों नहीं तोरियां। बिल्कुल वापस आ रहे बड़ा सवाल असीं पुछ रहे इस डिबेट में, करोना काल ने आम लोगों के सेहत सिस्टम के किहड़े सच तो पत्ते चुके? डॉक्टर संतोख सिंह, सख्ती करने वाली हल होगा? मैं सवाल इस करके कर रहा, मास्क नहीं पाउणा तो 500 रुपये जुर्माना, मास्क दे विचाले जे तुसीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते तो 5,000 तो 10,000 रुपये जुर्माना। अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैगा, तो झारखंड ने तो कमाल ही करती मास्क ना पाउण ते 1,00,000 रुपये जुर्माना। सर, करोना काल के समझा रहे हैं, डरा रहे हैं या कमा रहे हैं?
देखो इस तरह है कि हूँ ज़्यादा लोग डरना बहुत जरूरी है, डरना भी है पर मेन चीज़ कहना लड़ना भी है। तो हूँ आप डर ही नहीं रह गया, असं ओपन जा रहे हैं। मैं जिते मेरी क्लीनिक हैगी है, मैं देख रहा कि मैं बाहर लाउडस्पीकर लाया हुआ पेशेंट तो दूर हो जाओ, मतलब कहना लोग डरते ही नहीं है। तो उत्थे शायद सरकार नॉमिनल फाइन जरा ला रही है, दैट आई मैं उन्होंने सपोर्ट करता कि लोगों को डरा दो पैसे लेके, बट लोगों को चाहिए है कि डर के रहन। सर 500 रुपये जुर्माना, 1 लाख रुपये ये जुर्माना। गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बट जरा हूँ सी मास्क भी पा लेंगे हो, नक् कढ़ लेंगे हो बाहर, की फायदा आप जी, तो नक् कढ़ के मास्क पाना है तो ना ही इदा नहीं पाओ। हो सकता कि तुम 500 रुपये जुर्माना भी ला लो, फेस शील्ड दे दो एक नाल अलग अलग, वैसे गल सही है क्योंकि क्योंकि जो हैलमेट की ड्राइव चलती है भी हैलमेट पाना जरूरी है। हाँ जी हाँ ये जी भी यही जहाँ सिस्टम होया पाया। हाँ हाँ सरकार भी तुहाडी केयर देखो, केयर वास्ते कर सरकार रही है भी ना। चाहिए है कि जो मास्क नहीं पा रहे उन्होंने तुम इन्ना फाइन लाने तो बैटर है कि तुम इस गल थोड़ी सही है कि हाँ किन्ने का 15-20 रुपये का मास्क आता है जो बंदे है ना वो दे दो फ्री के, मतलब गवर्नमेंट हूँ सख्ताई वाले पासे आ रही है। बट वो गल उत्थे आ गई कि अपनी जिम्मेवारी तो भज के उन्हें अपनी एक रिक्वेस्ट करती टीवी थ्रू, मैगजीन थ्रू, अखबार थ्रू, पालो भाई पालो, नहीं हटते पे हूँ फाइन लाना शुरू करता। अवेयरनेस चाहिए है, अवेयरनेस लैक हैगी है। बट मैं सारे जड़े श्रद्धालु भाई सुन रहे हैं मेरी गल कि वो मास्क पा के रखन, तो वो बिना कल कोई हल कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने तुम्हें नहीं बचाना करोना तो, तुम आप बचना है। लड़ाई कलम कर ली है इस टाइम हर बंदे की करोना तो, तुम कैसे बचना है? मास्क एंड हैंड हाइजीन, मास्क पा के रखो। नहीं तो सरकार देखो अपने काम कर रही ने बहुत गलत, जो भी है 500 रुपये 1000 रुपये जो भी तुम दस है कि फाइन ला रहे हैं, तो है तो गलत ही, बट तुम भी अपनी जिम्मेवारी समझो। आप सारा कुछ सरकार से पा दी है, आप भी देखिए कि मास्क पा के रखिए। डॉक्टर बेदी, ये जो गैप हैगा आम लोगों ते सरकार दे विचाले, इस गैप नूं किवें पूरा जा सकता है? मेरा सवाल इस करके है क्योंकि जो सरकार कहती है कुछ जो अनाउंसमेंट हो जाती है तो अखीरले आदमी तक अनाउंसमेंट पहुँचाने की कोशिश की जाती है, पर जो सर इदा डराया जाता है तो उदो पब्लिक है जी वो इस तरीके ने प्रोटेस्ट भी करती है कि 500 रुपये जुर्माना मैंने लाया जा रहा, तुम उनके बदले उन्होंने मास्क दो या कोई जागरूक करो, इदा हो सकता कुछ? बिल्कुल देखो ये है कि पुलिसिंग दे नाल गल नहीं बननी, तो ये जोर जबरदस्ती नाल गल नहीं बननी। जिवें तुसी कह रहे हो कि मास्क होने चाहिए ने, जिहड़े वॉलंटियर्स होने चाहिए ने, मैं समझदा पुलिस नालों जिहड़े वॉलंटियर्स ने उन्हां दी हुण हेल्प लैन ताकि वो मास्क लैके खड़े होन, और उन्होंने थोड़ा जा अगर उन्होंने उहदे वास्ते एक्स्ट्रा कीमत भी देनी पे, फाइन भी लगाना पे, देर इज नो हार्म। मैं इतने एक होर गल करना चाहूंगा कि जिवें तुसी डॉक्टर की गल की है, डॉक्टर के बारे चर्चा की अजे भी हो रही है कि जे जेडे प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट ग्रांट्स देंदियां हॉस्पिटल्स के असी ये ग्रांट तुहानू 20 लाख 10 लाख या 30 लाख जो भी है अमाउंट वो देने हैं, तो तुसी इन्हें लोगों की इलाज करो। नंबर वन। नंबर टू, अज के दिन 110 डॉक्टर शहीद होए ने कोरोना, जिन्होंने कोरोना वॉरियर असी कहने हैं, मगर मैं नहीं सुनिया कि किसी भी स्टेट ने उन्होंने यहोजा दर्जा दिता होए जिवें अज असी एक जिहड़े बॉर्डर के उत्ते जिवें सिपाही साढ़े शहीद होंगे उन्होंने देने हैं, कि तुहाडे हिसाब नाल जिहड़े शहीद बॉर्डर से होंगे ने वह भी शहीद ने, ते जिहड़े डॉक्टर मोर देन 100 जिहड़े शहीद होए ने वो शहीद नहीं है? सो ये अज के दिन विच अगेन ये है कि गवर्नमेंट जिहड़ी हैगी है आप कुछ करन दे इस पोजीशन विच नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम ही नहीं बनाए। ये एक दिन च सिस्टम नहीं बनने वाले, एक एक शहर दे विच अज के दिन च वेंटिलेटर नालों इंसरनेटर जिहड़े हैगे ने वो बड़े ज्यादा जरूरी ने, जिहड़े वेस्ट डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट ने वो हरेक शहर विच होने चाहिए ने। क्यों नहीं ये फंड इस वेले उहदे विच लगांदे ताकि इमीडिएटली वेस्ट डिस्पोजल जिहड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स ने वो हरेक शहर, हरेक कस्बे, हरेक पिंड विच होन, ताकि जिहड़ी इनफेक्शन है उहनूं रोकिया जा सके। सो प्लीज मैं ये कहना कि डॉक्टर्स इस वेले तुसी सुनिया होएगा दिल्ली विच भी होर भी कई इहो जगह हैगी है जिथे उन्होंने 4-4 महीने तो तनखावां नहीं मिलियां। ये तुसी वारियर का नाम देंदे हो मगर डॉक्टर जिहड़े ने उन्होंने जिहड़े MBBS करते पे है उन्होंने अगे लगाया होया वो बेचारे ना उन्होंने खाना मिलता है तो ना उन्होंने सौ। मैं पंजाब का थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा डॉक्टर बेदी, रूरल फार्मेसिस्ट है वो लगातार धरने पर बैठे है, उन्होंने तनख्वाह नहीं मिलती 6 महीने तो, ठीक है?
फिर पंजाब में जो नर्सिंग स्टाफ है जो ठेके से भर्ती किया होया वो कोरोना वारियर बन के काम करते पे है पर उन्हों की सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं हैगा। यह जो सवाल सर सारिया स्टेट्स सारे सामने आ रहे हैं सर उन्हों का हल की हैगा? मैं तो हल पूछता पे डॉक्टर बेदी तौर तो देखो हल हल तो कुछ भी हल हम की कर सकते हैं। गल है कि जो सरकार ने अपनी अखा ते पट्टियां बन लिया ने कना देते भी उन्होंने रूह ला ली है ते हाथ झाड़ दिता है अपने सारी गल्लां तो हम कर के सकते हैं। और सरकार को यह पता है कि ये जड़ा हैगा हेल्थ का मसला इन्होंने इंडिपेंडेंट तो लैके अज तक ये उत्ते गौर किया नहीं है और इन्हें ये किसी भी यहोजे हालात में नहीं रहे कि अज इमीजिएटली वो इनू इन्ना रोबस्ट कर देन कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जड़ा हैगा वो कोरोना या किसी भी बीमारी नाल लड़न दे विच ठीक है। डॉक्टर बेदी लॉकडाउन अनलॉक ये जड़े सारे सिस्टम चलाए हैं करफ्यू ये सर फेल है? हुण मैं करफ्यू की तुहानूं गल दसदा है कि ये चर्चा जो पिछले हफ्ते आ रहा सीगा इस हफ्ते भी आ रहा सीगा कि चंडीगढ़ दे विच लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन पहला पंजाब जो भी किया गया वीकेंड करफ्यू ये बड़ी हैरानगी की गल है कि अगर तुम डॉक्टर को पुछो कि कोरोना का जरा इनकोबेशन पीरियड है जो मीन इनकोबेशन पीरियड है वह 5 या 6 दिन का है तो 2 दिन का करफ्यू लगाने के नाल उस ए हुण कोई टोटली नॉन साइंटिफिक जी है वह गल है ये ब्यूरोक्रैट बल ठीक है कि भी मैं कुछ तो कर रहा है भाई तुम अगर लेक से लोग जा रहे ने उत्थे क्यों नहीं वॉलंटियर्स लगाते जे मार्केट्स में जा रहे ने मॉल्स में जा रहे ने उत्थे वॉलंटियर्स लगाओ उत्थे लोकी तैनात करो ताकि वो तो लगा कि लॉकडाउन की जरूरत हैगी है सर। डॉक्टर बेदी आखिरी सवाल लॉकडाउन की जरूरत हैगी है दोबारा जिवें अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जिहड़े फैसले भी कर रहे हैं अपने पद्धर से? जी देखो असी तो शुरू तो IMA डिमांड कर रहे हैं कि वन नेशन वन गाइडलाइन हुण प्रॉब्लम अगेन मैं ये कह रहा कि ये डॉक्टर के हाथ कुछ है नहीं है जिहड़े जो मर्जी होंदी है वह अज एक डायरेक्शन देंदे ने 3 दिन बाद डायरेक्शन बदल जाती है गाइडलाइन बदल जाते हैं वो समझ ही नहीं आती कि एक गाइडलाइन जिहड़े शुरू करते हैं उन्होंने मरना 3 दिन बाद गाइडलाइन बदल जाती है क्योंकि वो हाथ जिहड़ा है डॉक्टर के हाथ नहीं है गाइडलाइंस आर मेड बाय दी पॉलिटिशियंस एंड बाय दी ब्यूरोक्रेट। मेन मुद्दा जिहड़ा ये है कि लोग जिहड़े इहदे वास्ते अगे आके काम कर रहे ने दे आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस सिचुएशन। ओके ओके वेरी क्लीयर ठीक है सर। डॉक्टर संतोख लास्ट मिनट तुहाडे चाहिए सर जो डॉक्टर बेदी गल कह रहे हैं कि सानू समझ नहीं आ रहा कि असी किहड़े पासे वल जाणा किहड़ी पॉलिसी साडी फिट है ये कहिंदे वन नेशन वन पॉलिसी होनी चाहिए है वन नेशन वन पॉलिसी के विचाले तो बहुत कुछ हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि सानू ये भी देखना पूगा साडी भूगोलिक स्थिति साडा हेल्थ सिस्टम की है अलग अलग स्टेट्स के विच उस तरीके नाल सानू फैसले लेने चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल सानू देखते हुए कि जिथे स्पाइक्स ज़्यादा आ रही ने जिस पासे मतलब कि सैगमेंट वाइज हाँ सैगमेंट वाइज आप चीज़ा बढ़ रही ने सानू उस तरीके का लॉकडाउन करने के मेरे हिसाब न कोई हर्ज नहीं हैगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो पूरे इंडिया की ला देनी ना उन्होंने की पता सैक्टर 47 24 है अपने कलोनीस है चंडीगढ़ की हो रहा है इतने ये तो हूँ स्टेट गवर्नमेंट का काम है नहीं कहना ने होर बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट शेयर किया ब्यूरोक्रेट्स तो कट के डॉक्टर के हाथ दो वो तो मैं पहले ही कह रहा है ये ब्यूरोक्रेट्स का काम ही नहीं है यह डॉक्टर का काम है डॉक्टर को पुछो तुम कितने लाना है तुम लॉकडाउन कितने करना है वो ब्यूरोक्रेट्स लाते हैं जिन्होंने कोई मेडिकल नॉलेज ही नहीं हैगी तो बैटर यह है कि डॉक्टर्स का पैनल बनाया जाए ब्यूरोक्रेट्स के नाल मिल जाए दोनों आ जाओ इकट्ठे हो जाओ फिर मिलकर काम कर जरूर बिल्कुल मिलकर काम कर लो चलो मिलकर काम करने की जरूरत हैगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संतोख सिंह तुहाडा डॉक्टर बेदी तुहाडा भी बहुत धन्यवाद मिलकर काम करना पवेगा सानू सारिआं नू मीडिया नू डॉक्टर्स नू ब्यूरोक्रेट्स नू सरकारां नू सिस्टम नू तुहानू सानू सारिआं नू जे मिलकर नहीं काम करांगे फेस शील्ड तक गल पहुँच चुकी है तो जो फेस शील्ड तक गल पहुँचती है तो आपके फेस का ध्यान तुसीं खुद रखना हैगा कोई होर ध्यान रखन नहीं आऊगा मास्क तुसीं खुद पाउणा हैगा कोई होर नहीं पाउणा आऊगा ये जिम्मेवारियां तुहाडीआं भी हैगीआं सारा कुछ सरकार ते नहीं सिट्टा जा सकदा पर सरकार ते एक सवाल जरूर कीता जा सकदा सरकार ने हुण तक सेहत सिस्टम लई कीता की हैगा ये सवाल सरकार तो वार बार पुछा जाना चाहिए जो वोटां मंगण आउणगे उदों जरूर पुछियो तो उन्हां 110 डॉक्टरां नूं जिहड़ा डॉक्टर बेदी ने जिक्र किया उन्हां नूं साडा सलाम है बहुत धन्यवाद।